अस्सलाम वालेकुम, राबे के किचन में आप सबको खुश आमदीद। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बनाएंगे राबे के किचन में रमजान स्पेशल चिकन टिक्का पॉकेट। ये बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग रमजान में इसको फ्रीज करके भी बना के रख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग चिकन टिक्का पॉकेट बनाने की तरफ। चिकन टिक्का पॉकेट बनाने के लिए जो सामान लगेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में ऐसा काट ली हूँ, आप लोग भी इसी तरह काट लेना। ऐसा करने से हमारा चिकन जल्दी गल जाएगा। तो यहाँ पर ये पाव किलो चिकन है। एक छोटा चम्मच भर के लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। दो छोटी प्याज है बारीक चॉप की हुई। और यहाँ पर है समोसे की पट्टी, है रेडीमेड पट्टी है, कोई भी आपको दुकान पे मिल जाएंगी। और यहाँ पर है कुछ पाउडर मसाले। एक छोटा चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, एक छोटा चम्मच टिक्का मसाला, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, पाव चम्मच लेंगे काली मिर्च पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार लेंगे, आधा चम्मच लेंगे जीरा पाउडर, आधा नींबू का रस लेंगे। यहाँ पे पाव किलो चिकन डाल देंगे हम लोग, मैरिनेट कर लेंगे सबसे पहले, और डाल देंगे नींबू का जूस। सभी पाउडर मसाले डालकर मैरिनेट कर लेंगे चिकन को अच्छे से। सभी मसाले डालकर चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे से मैरिनेट कर ली हूँ। इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। जब तक चलते हम लोग प्याज को लाल कर लेंगे। अब लेंगे यहाँ पर एक पैन, अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल के। अब डाल देंगे यहाँ 2 कटी हुई प्याज। हल्की सी पिंक होने तक इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज का कलर थोड़ा आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म नहीं होता तब तक प्याज के साथ इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब चिकन को भी प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से भून ली हूँ। इसमें डाल देंगे अब थोड़ा सा पानी। अब यहाँ पर चिकन हमारा अच्छे से पकेगा क्योंकि इसके अंदर नमक का पानी भी छूटेगा। हम लोग ने 3 से 4 चम्मच पानी भी डाले। इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका देंगे अच्छे से। यहाँ पर अच्छे से पानी छूट चुका है हमारा चिकन, यही पानी में गल जाएगा अच्छे से। पूरा सूखने तक इसको अच्छे से पका लेंगे, इसका पूरा पानी सुखा लेंगे, ड्राई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है, पानी भी एकदम पूरा सूख चुका है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के लिए इसको अब रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में चिकन निकाल ली हूँ ठंडा करने के लिए। अब ये चिकन हमारा ठंडा हो चुका है, अब फिलिंग करने के लिए तरफ चलते हैं हम लोग। तो समोसे की पट्टी यहाँ पर एक ऐसी रखेंगे और एक इसकी बराबर रखेंगे, चारों तरफ से इक्वल रहेगा तो ये हमारा अच्छे से पैकिंग होगी। तो वैसा हल्के से उठा के इसके नीचे थोड़ा से मैदे की सिलरी लगा लेंगे ताकि ये भी अच्छे से नीचे चिपक जाए। अब इसमें हम लोग फिलिंग भरेंगे। तो इसकी फिलिंग, चिकन की फिलिंग हम लोग चारों तरफ से भी बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा से ब्रश की मदद से सिलरी लगा लेंगे। अब इसको एक तरफ से पैक कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ का नहीं करेंगे, अब यहाँ का करेंगे हम लोग। थोड़ी सी इस पर भी सिलरी लगाकर चिटका देंगे। अब यहाँ का करेंगे, थोड़ी सी इस पर भी सिलरी लगाकर चिटका देंगे। अब यहाँ पर हम लोग त्रिकोण शेप लेंगे, लिफाफा टाइप बनाएंगे। तो इसको यहाँ से लेके ऐसा बंद कर देंगे। तो ये हमारा लिफाफा टाइप पॉकेट हो गई। तो इस तरह से हमारी पॉकेट बन गई अच्छे से, लिफाफा टाइप। अच्छी लग रही, ऐसा देखने में तो बहुत अच्छी लग रही, खाने में भी ऐसी मज़ेदार होंगी। तो इसी तरह से मैं आपको सब बना के बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 पॉकेट बनाई हूँ आप लोग को बताने के लिए। तो अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरह। अंडे को मैंने थोड़ा सा नमक डाल के फेंट ली हूँ, इसी तरह से आप लोग भी कर लेना। पहले अंडे में डिप करेंगे इसको, इसके बाद ब्रेड क्रम में इसको कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से करके चारों में आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम लगाकर एक तरफ रख देना, फिर फ्राई करने के लिए तैयार करना। अब यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे एक एक करके हम लोग पॉकेट को। अब इसको दूसरे तरफ से टर्न कर लेंगे हल्के हाथों से। तो यहाँ पर हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है नीचे की तरफ से, इसी तरह से नीचे भी हम लोग ऐसी ब्राउन पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब इसको एक एक करके हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे।
तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी तल लूँगी। यहाँ पर हमारी चिकन टिक्का पॉकेट बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी लाजवाब बनके तैयार हुई। चिकन टिक्का पॉकेट की जो स्टफिंग है वो भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम मसालों में बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से आप लोग भी इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना। और इसके पहले भी मेरे चैनल पर एक चिकन चीजी पॉकेट की भी एक वीडियो अपलोड है, आप लोग उसको भी ज़रूर देख लेना। तो इसी तरह से और अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। फिर मैं मिलती हूँ आपको कोई और अच्छी दूसरी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।